नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चंपाई सोरेन की आज अग्नि परीक्षा, हैदराबाद से रांची लौटे विधायक। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन झारखंड विधानसभा में सोमवार को महागठबंधन सरकार के लिए बहुमत हासिल करेंगे। दो कार्य दिवसों वाले इस सत्र में पहले दिन राज्यपाल का भाषण होगा। इसके बाद विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 139 के तहत मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंत्रिपरिषद में विश्वास के प्रस्ताव को रखेंगे। इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बहस होगी। वाद विवाद के बाद मतदान किया जाएगा। बता दें, सत्ता पक्ष के 36 विधायक हैदराबाद में 3 दिनों से कैंप करने के बाद रविवार शाम विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। सभी राजधानी में एक सर्किट हाउस में ठहरे हैं और सुबह एक साथ ही विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दावा किया है कि महागठबंधन को 2019 में जनता ने बहुमत दिया है। महागठबंधन के पास प्रचंड बहुमत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी के अफसरों ने 31 जनवरी की शाम गिरफ्तार कर लिया था। बता दें, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश किया। सीएम चंपाई सोरेन ने अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने रविवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी सीएम को दी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अफसरों से कहा है कि अपराध मुक्त झारखंड उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों ने बताया है कि बीते दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों ने झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। हमला करने वालों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की है, इसकी जाँच जारी है। सीएम सोरेन ने अधिकारियों को जाँच के लिए SIT बनाकर जल्द से जल्द केस में दोषियों को गिरफ्तार करने को कहा है। सब कुछ बेच देगी भाजपा सरकार, राहुल गांधी। भाजपा सब कुछ बेच देगी, भाजपा के लोग नफरत व हिंसा फैला रहे हैं। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब भारत जोड़ो के साथ न्याय यात्रा का भी नाम जोड़ दिया गया है। न्याय यात्रा नाम देने के कई कारण है। भाजपा 2-3 अरबपतियों के लिए ही काम कर रही है, मतलब यह कि पूंजीपतियों को ही न्याय मिल रहा है। कांग्रेस देश के प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय की पक्षधर है। झारखंड के आदिवासियों को हितों की कांग्रेस ही रक्षा कर सकती है। उक्त बातें राहुल गांधी ने रविवार को धनबाद में कही। अवसर था राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। इसकी बानगी बना बैंक मोड़ का बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल। मौका था राहुल गांधी के जनता को संबोधित करने के कार्यक्रम के जन के मन की बात का। इसके लिए राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में धरती आबा बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल को ही चुना। कारण था कि धरती आबा भी जन की ही बात करते थे। 1932 की बात करने वाला ही झारखंड में रहेगा चंपाई सोरेन। झामुमो का स्थापना दिवस समारोह में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा छाया रहा। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। राज्य को मुंबई गुजरात वालों ने लूटा है, लेकिन अब जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में रहेगा। हेमंत सरकार ने 1932 को लागू करने का प्रयास किया तो यूपी बिहार के लोग भाजपा के साथ मिलकर पूरे मामले को कोर्ट में ले गए। गोल्फ ग्राउंड में रविवार को आयोजित झामुमो के 52वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे सीएम ने कहा है कि आज कार्यक्रम में शामिल लोगों के मन में एक दुख है कि गुरुजी और हेमंत सोरेन यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, जल्द ही हेमंत सोरेन हमारे बीच मौजूद होंगे। 2019 से जब से हमारी सरकार बनी है तब से इसे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद हेमंत सोरेन झुके नहीं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा वालों को जवाब देने का वक्त आ गया है। झारखंड में अब तक 11 बार हुआ फ्लोर टेस्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इसके लिए 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। झारखंड में अब तक के फ्लोर टेस्ट की बात करें तो यहां अब तक विधानसभा में 11 बार तत्कालीन सरकारों द्वारा बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इसमें 8 बार सरकारों ने अपना बहुमत साबित किया है। वहीं 2 बार प्रस्ताव आने के बाद वोटिंग से पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था। 1 बार वोटिंग की अनुमति ही नहीं दी गई थी।
झारखंड में सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने सरकार के बहुमत साबित करने के लिए 23 नवंबर 2000 को विश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें उन्होंने बहुमत साबित किया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने 11 मार्च 2005 को बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं इसी तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 मार्च 2005 को बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया था, इसमें उन्होंने बहुमत साबित किया था। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने ही 14 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें सदन में इस्तीफा की घोषणा कर दी गई थी। भारत के सोने की चिड़िया झारखंड जेएमएम स्थापना दिवस पर गरजे सीएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 52वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गोल्फ ग्राउंड बनाए गए कार्यक्रम स्थल के शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर झारखंड के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने कहा है कि पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं जो अपने प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से घर लाने का काम किया। झारखंड भारत की सोने की चिड़िया है और इस पर भाजपा की गिद्धी दृष्टि है। आदिवासियों और मूलवासियों को लूटने के साथ उन्हें दबाने का काम किया है। फ्लोर टेस्ट में सरजू राय नहीं करेंगे सरकार का समर्थन। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे। एक ओर विधायकों को अपने पाले में करने को लेकर जोड़ तोड़ किया जा रहा है, तो इधर जमशेदपुर पूर्वी की निर्दलीय विधायक सरजू राय ने घोषणा कर डाली है कि वे चंपई सरकार को समर्थन नहीं करेंगे। वे विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान तटस्थ रहेंगे। सरजू राय ने यह भी कहा है कि सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष किसी ने उनसे अपने पक्ष में मतदान के लिए संपर्क भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में गुण दोष के आधार पर आगे वे सरकार के बारे में राय बनाएंगे। अभी नए सीएम बने हैं, उनके कामकाज को देखना होगा। उनकी रचनात्मक भूमिका सदन में होगी। उन्होंने आशा जताई है कि चंपई सोरेन पुरानी राह को बदलेंगे, बड़ी और समानांतर लकीर खींचेंगे। झारखंड मौसम अपडेट। रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। गत दिनों राजधानी व आसपास के जिलों में हुई बूंदाबांदी ने जहां सर्दी बढ़ा दी है, वहीं 5 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, जामतरा, पाकुड़, गिरिडीह व साहेबगंज में, जबकि 6 फरवरी को राज्य के दक्षिणी हिस्से पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा और निकटवर्ती मध्य हिस्से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 फरवरी को राजधानी समेत पूरे राज्य में सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं शनिवार को भी दोपहर धूप के बीच लोगों ने गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाया है। राजधानी समेत सभी जिलों में मौसम के तेवर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, अचानक गाड़ी पर चढ़ गए कुछ युवक। राहुल गांधी का काफिला लगभग 2:30 बजे नया मोड़ बिरसा चौक पहुंचा। अचानक समर्थकों की भीड़ सड़क के बीचों बीच आ गई। सुरक्षा में तैनात जवान भीड़ को हटाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच 3 से 4 युवक उनके गाड़ी पर चढ़ गए। कुछ माला पहनाना चाह रहे थे तो कुछ हाथ मिलाने के लिए उनके नज़दीक पहुँच गए। हाथ में माला लिए एक युवक गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। जब तक सुरक्षा प्रहरी हटाते तब तक वह राहुल गांधी को माला दे चुका था। उसे ऐसा करता देख दूसरे युवक भी गाड़ी के पौदान व बोनट पर चढ़ गए। यहां लगभग 10 मिनट तक राहुल गांधी को रोक के रखा गया। यहां आम आदमी पार्टी, राजद, सीपीआई के लोग भी शामिल रहे थे। मैट्रिक इंटर परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। कोडरमा के 25 केंद्रों पर मैट्रिक एवं 12 केंद्रों पर 6 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। 26 फरवरी तक परीक्षा और 29 फरवरी से 12 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। डीईओ नयन कुमार ने बताया है कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि जिले में मैट्रिक के 12,657 तथा इंटर के 9,536 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। छात्रों पर दर्ज FIR वापस ले सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से JSSC सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले का विरोध कर रहे छात्रों के ऊपर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों पर दर्ज FIR की कॉपी शेयर करते हुए उन्होंने यह मांग की है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा को बर्खास्त करने और पूरे मामले की CBI जाँच कराने की भी मांग की है। झारखंड में बनेंगे 5 स्टेडियम। खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक हफीजुल हसन ने कहा है कि झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंडों में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा।
इससे विधानसभा के प्रतिभावान खिलाड़ी यहां अभ्यास कर प्रदेश तथा राष्ट्र स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर गांव से लेकर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद।